मैंने सिफारिश किया एक और गीत की, yes,
आपको पता चल गया कि ये टेलीविजन पर काम करते हैं, कि अपना दोनों बीएमबीपी चैनल है और ये उसके जरिए से खिदमत करती हैं, कि खावंद और ये भी पास्टर है, दोनों मियाँ भी पासवानी खिदमत भी करते हैं, अपना चर्च है। पास्टर एना पाइक के साथ मेरी मुलाकात 4 साल पहले हुई थी कोरिया में, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं भी आप ही के चर्च के साथ खिदमत करती रही हूँ अमेरिका में। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जैसे पाकिस्तान आती है और हमारे साथ रफाकत रखती है पास्टर एना पाइक, उनकी सारी खिदमत के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और आज वो हमारे दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर आसिफ साहब कलाम के लिए दुआ करें, उसके बाद पास्टर एना पाइक कलाम सुनाएंगे, पादरी आकाश साहब तर्जमा करेंगे। क्या ये बड़ी जबरदस्त बात नहीं कि ये चंद दिन पहले लंगड़ा के चलती थी, लेकिन आज झूम कर खुदा उनकी सिताइश कर रही है। इनको चोट लगी थी जब ये एयरपोर्ट पर थी, लेकिन आप महसूस नहीं होता कि वो चोट इनके बाकी है। तो जब एयरपोर्ट पे थे तो ये इस तरह से लंगड़ा कर चलती थी। और अब आप देख सकते हैं कि वो इस तरह जंप कर रही थी। God is a wonderful and powerful God. और हमारा खुदा हैरत अंगेज और जबरदस्त खुदा है।
गाने ने एक जबरदस्त शिफा बख्शी है। हालेलुया, प्रेज गॉड, खुदावंद की तारीफ। इट्स वंडरफुल टू सी यू अगेन। आपको दोबारा देखना मेरे लिए बहुत खुशी भरा है। And I'm really grateful you all prayed for me when I had a stomach pain, I also had a flu. और मैं आपके लिए आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे लिए दुआ करते रहें क्योंकि मेरे पेट में कुछ तकलीफ है और मुझे नज़ला भी है। और पादरी अमृत साहब रोज ही मुझे मैसेज करते थे और कहते थे कि क्या आप बेहतर महसूस कर रही हैं क्योंकि हम सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं। So I didn't even go see the doctor and I get really well, I get better. और मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गई लेकिन मैंने शिफा पाई। And thank you for praying. आपका शुक्रिया कि आपने मेरे लिए दुआ की। Before we start the word of God, let's go into prayer. इससे पहले कि हम खुदा के पाक कलाम को सीखें, आइए हम दुआ करें। Precious God, we just love your presence among us. ऐ हमारे कीमती खुदावन, हम तेरी हुजूरी के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। We pray and hope that your presence will please in your sight. ऐ खुदावन, हम इस बात से बहुत खुश हैं कि तेरी हुजूरी और मौजूदगी हमारे दरमियान है। Oh Lord, we love you deep. You are our strength. ऐ खुदावन, हम तुझे पूरे दिल से प्यार करते हैं क्योंकि तू ही हमारी कुवत है। You are our hope. तू हमारी उम्मीद है। You are our best of our lives. तू है खुदावंद हमारी जिंदगी का चश्मा है। Please anoint your power. है खुदावंद अपनी कुवत को नेल दे। Please anoint your Holy Spirit. अपने पाक रूह का मसा को नेल दे। So while we worship together, we get all charged up by the Holy Spirit of power. ताकि हम पाक रूह की कुवत से मामूर हो जाएं, भर जाएं। So we may live for your glory. ताकि हम अपनी जिंदगियों से तेरे नाम को जलाल दे सकें। As you share the word together, जैसे खुदावंद तेरे पाक कलाम को बांटा जाता है, reveal your good deed and reveal your good will each one of us. खुदावंद अपनी पाक मर्जी हर एक को जाहिर और नाजिल कर दे। So we may live up to you according to our faults. ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम के मुताबिक अमल कर सकें। Empower us with your wisdom and the power. खुदावंद अपनी हिकमत को और अपनी कुव्वत को हमारे ऊपर उंडेल दे। So we shall be the witness for you and for your kingdom. ताकि हम सब तेरे और तेरी बादशाही के लिए गवाह साबित हो सके। Lord, I pray for this new coming church. खुदावंद हम इस नए बनने वाले चर्च के लिए भी तेरे दुआ करते हैं। This church is still in need of many things. कि जिसके लिए बहुत सी चीजों की अभी तक जरूरत है। Pray and hope that you will supply all their needs. हम दुआ करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि तू उसकी सारी चीजों को जल्द मुहैया करेगा। Especially we pray for the generator and also the sound system for new church. खास तौर पे हम दुआ करते हैं कि जनरेटर और साउंड सिस्टम को मुहैया कर। And we pray for the many many fundraisers who will help through this church. ऐ खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि बहुत से फंड्स मुहैया कर जो इस चर्च के लिए काम आ सके। So the First Presbyterian Church in Haisalaba accommodated more people, embraces more people in Christ Jesus. ताकि First Presbyterian Church फैसलाबाद बहुत से लोगों को अपने अंदर समा सके और यीशु के लिए उन्हें पेश कर सके। We pray all this thing in Jesus' name. इस आप दुआ हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। Well, brothers and sisters in Christ, Aziz bhaiyo aur bhaiyo, there is three different kind of encounter. Teen mukhtalif qisam ka jo hai samna hamara hota hai. First is encounter with like a fish. First is encounter. Is like a fish. और पहला जो होता है वो एक मछली की तरह होता है। Is a person who is very stinky, smelly. वो ऐसा शख्स होता है जिसमें से बहुत बदबू आती है।
और दूसरा जो सामना होता है वो शख्स से होता है जो एक फूल की तरह है. तो जब आप पहले उनसे मिलते हैं तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा महसूस होता है. जैसे जैसे वक्त गुजरता है उनकी खुशबू जो है वो मान पड़ती चली जाती है, खुशबू आना बंद हो जाती है. तो आपको पता है कि फूल जो है वो खिलता है लेकिन उसका खिलना चंद दिन के लिए होता है. और तीसरा जो सामना है वो ऐसे होता है जैसे रुमाल से होता है. This handkerchief can wipe out your tears, your sweat. ये जो रुमाल है, जो कपड़ा है, ये आपकी आंखों के आंसुओं को पोंछने के लिए और आपके पसीने को पोंछने के लिए इस्तेमाल होता है. And what kind of encounter do you want? आप किस तरह की मुलाकात चाहते हैं? किस किस्म की मुलाकात, इन तीनों में से किस किस्म की मुलाकात पसंद करते हैं आप? Do you want a flower? You only last a few days. आप फूल जैसी मुलाकात चाहते हैं, यानी थोड़े दिन की सिर्फ? What else? फिर कैसी? Missing handkerchief. Handkerchief, yes. किया रुमाल जैसी मुलाकात. We need to meet someone like a handkerchief. आपको किसी ऐसे शख्स से मिलना चाहिए जो एक रुमाल की तरह, मछली की तरह नहीं, फूल की तरह नहीं, बल्कि रुमाल की तरह. When we in a sorrow, somebody be with us and have a compassion with us, wipe our tears. जब हमारी रूह उदास हो तो कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो हम पे तरस खाए, रहम करे और हमारे आंसुओं को पहुंचे. When we have a trouble and hardship, load with them, and someone help us to lift our loading worries. जब हमारी जिंदगी में मुश्किलात आए, परेशानियां आए, तो कैसा कोई ऐसा होना चाहिए जो हमारे जज्बे को बुलंद करे. We need someone to wipe up our sweat. ऐसा होना चाहिए जो हमारे पसीने को पहुंचने वाला हो. I need a friend like that. मुझे तो हमेशा एक ऐसे अजीज की जरूरत होती है. क्या आपको भी ऐसे अजीजों की जरूरत होती है? Yes. बुलंद आवाज से. लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेहतरीन मुलाकात जो आप किसी से कर सकते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह से है. हालेलुया. Jesus desired to meet Jesus and live with it over 3 years now. खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द यीशु मसीह से मिले और 3 साल तक उससे रहा किए. But when they see the storm, they were so scared. They were so dreaded and their anxiety. They said, "Sir, teacher, please help us." लेकिन जब उन्होंने तूफान को देखा तो वो बहुत डर गए और उन्होंने कहा कि ऐ उस्ताद, ऐ मालिक, हमें बचा. But Jesus fed them, Jesus taught them, Jesus showed them all kind of miracles work while they followed the Jesus. खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया, उनकी मदद की, उनकी रहनुमाई की और उनको हर तरह के मौजज़े कर करके दिखाए. Even though they experienced all this miraculous work of Jesus, they were still scared over the storm. और उन्होंने सारे मौजज़ात का तजुर्बा किया, फिर भी जब तूफान आया तो वो नहायत घबरा गए. So Jesus said, तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो फरमाया वो हम पढ़ते हैं मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 14 बाब की पहली और दूसरी आयत में यूं लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो. मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं. आमीन. पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पे खुदा की बरकत. आमीन.
see, Jesus simply said, "Do not let your heart be troubled." नाम यीशु मसीह ने बड़ी सफाई से इस बात का बयान किया है कि तुम्हारा दिल ना घबराए. Trust God and trust in me. तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो. You see, when Jesus said, "Trust God and trust in me," it's not just a matter of you have faith in me. तो खुदा यीशु मसीह यहाँ पे बयान करते हैं कि अगर तुम खुदा पर ईमान रखते हो तो तुम्हें मुझ पर भी ईमान रखना चाहिए. Faith and trust, it sounds like the same meaning. और भरोसा और ईमान ये दो लफ्ज हैं और इनका मतलब एक ही मालूम होता है. But they are millions of parts. लेकिन इनके जो मतलब में फर्क है वो बहुत ज्यादा. You see, faith is a human thing. It's a God move the mountain. God will move the mountain. That's your faith. तो ईमान का मतलब ये है कि आपने देखा है कि खुदा पहाड़ों को हटा देता है और खुदा पहाड़ों को हटा देगा. But trust is a, you know, God will move mountain in His best way. तो जब आप भरोसे की बात करते हैं तो भरोसा जो है वो ईमान से भी बढ़कर है. इसका मतलब ये है कि आप ये भरोसा रखते हैं कि खुदा ऐसा जरूर करेगा. What's the difference between that? इन दोनों में फर्क क्या है? Faith is a assumption that God will do this. तो ईमान जो है वो आपके अंदर उम्मीद है कि खुदा ऐसा करेगा. You just believe that, oh, God will take care of me. और आप ये मान रखते हैं कि खुदा ऐसा कर सकता है. Oh, God will answer my prayer. खुदा मेरी दुआ को सुनेगा. But trust is, I know for sure God will do it for me. लेकिन भरोसा ये है कि आप ईमान करते हैं कि खुदा ऐसा कर सकता है, लेकिन भरोसा ये है कि खुदा आपके लिए ऐसा जरूर करेगा. लेकिन अगर खुदा मेरी दुआ का जवाब नहीं भी देता तो भी मैं उसके ऊपर ईमान रखूंगा. I trust he will do his best for me. क्योंकि मैं इस बात पे भरोसा रखता हूँ कि वो जो भी करेगा वो मेरे लिए अच्छा ही करेगा. That's the faith. That's the trust.